हेलो स्टूडेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। पिछले वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को कवर किया था। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड जो अभी इसमें देखने वाले हैं, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में समझ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो चलिए इन दोनों ही मेथड से किस तरीके से इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, अलग करना। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, सबसे पहले तो इनको लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। और यहाँ दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, दैट्स इक्वेशन नंबर टू। इतना क्लियर? नाउ अब यहाँ पे एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। तो यदि हम एक्स को एलिमिनेट कर दें इन दोनों ही इक्वेशन से तो वाई की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो अब ये एलिमिनेशन करेंगे कैसे? तो देखिए, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है वन, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है टू। अब इन दोनों जगह सेम ही नंबर आ जाए तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ वन और टू इनका एलसीएम क्या होगा, टू। तो टू तो यहाँ है ही, यहाँ टू लाने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन को हमें टू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो किसी भी इक्वेशन में किसी रियल नंबर का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ एक टर्म में मल्टीप्लाई किए, सारे ही टर्म में उस इक्वेशंस के उस रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो देख, सबसे पहले लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू, ये क्लियर। तो यहाँ टू का मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फाइव इंटू टू, टेन। इतना क्लियर? यहाँ ऑलरेडी टू एक्स है तो इस पूरे इक्वेशन को एज इट इज लिखिए। तो टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, ये क्लियर। अब यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, दोनों ही जगह साइन सेम है, पॉजिटिव है। तो जब भी दोनों ही जगह सेम साइन हो तो उस केस में हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और यदि अपोजिट साइन है तो उस केस में दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हम इसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए एंड सब्सट्रैक्ट, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, देन वी गेट। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, आफ्टर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है टू से, ये क्लियर। तो यहाँ जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के साइन चेंज कर देने हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ नीचे साइन माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ नीचे साइन प्लस है प्लस फोर तो माइनस हो जाएगा, ये क्लियर। नाउ अब 2x और रीड करना है नीचे के साइन को, तो 2x माइनस 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6, ये क्लियर। तो y यहां से आ गया 6 और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो देखिए इन दोनों ही से हमने x को एलिमिनेट किया और y फाइंड किया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। अब y आ चुका है, अब ये जो है हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दे या तो सेकेंड इक्वेशन में रख दे, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, देन एक्स आ जाएगा। तो अब इसको यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में रखें, पुट दिस इन इक्वेशन वन, वी गेट यहां से मिल जाएगा एक्स प्लस वाई, वाई के प्लेस पे सिक्स अपॉन फाइव इक्वल्स टू फाइव, एक्स यहां से आ गया फाइव और ये सिक्स अपॉन फाइव राइट में गया तो माइनस सिक्स अपॉन फाइव, यहाँ नीचे वन लिख सकते हैं, वन और फाइव के एलसीएम फाइव, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव, और फाइव से फाइव वन टाइम्स में कैंसिल होगा तो वन इंटू सिक्स सिक्स, ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स नाइनटीन अपॉन फाइव, सो एक्स हमें मिल गया नाइनटीन अपॉन फाइव, और वाई आया था सिक्स अपॉन फाइव, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब यदि इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें,
से हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो देखिए यहां पे यदि हम इक्वेशन वन को यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से हम लिख सकते हैं, यदि एक्स लिखना चाहे एक्स इक्वल्स टू फाइव और ये वाई को राइट साइड में ले जाइए तो माइनस वाई। तो यहां पे एक रिलेशन मिल गया बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। तो इस रिलेशन को सब्स्टिट्यूट कीजिए सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि ये रिलेशन मिला है फर्स्ट से तो सब्स्टिट्यूट करना होगा सेकेंड में। तो पुट दिस इन इक्वेशन टू वी गेट, तो सेकेंड इक्वेशन ये है टू एक्स, एक्स के प्लेस पे फाइव माइनस वाई, देन माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर। इतना क्लियर ना? ये हो जाएगा टू फाइव या टेन, माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू फोर, और ये टेन राइट में गया तो माइनस टेन, माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू फोर माइनस टेन माइनस सिक्स, माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया सिक्स और ये फाइव नीचे आ जाएगा तो सिक्स अपॉन फाइव। क्लियर? अब इसे या तो फर्स्ट या तो सेकेंड इक्वेशन कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन, अब यहाँ पे ऑलरेडी हम फर्स्ट में पुट करके सिक्स अपॉन फाइव एक्स निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे इसको हम सेकेंड में पुट करते हैं। पुट दिस इन इक्वेशन टू, तो भी जो है एक्स नाइनटीन अपॉन फाइव ही मिलेगा। देखिए टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फोर, यहाँ से मिल गया टू एक्स माइनस एटीन अपॉन फाइव इक्वल्स टू फोर, टू एक्स इक्वल्स टू फोर और ये माइनस एटीन अपॉन फाइव राइट में गया तो प्लस एटीन अपॉन फाइव। वन और फाइव का एलसीएम फाइव, वन से फाइव फाइव टाइम्स में कैंसिल होगा, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, फाइव से फाइव वन टाइम्स में कैंसिल होगा, वन इंटू एटीन एटीन, ट्वेंटी प्लस एटीन थर्टी एट अपॉन फाइव, सो टू एक्स इक्वल्स टू थर्टी एट अपॉन फाइव आ गया। अब टू से थर्टी एट ये नाइनटीन टाइम्स में कैंसिल, तो एक्स यहाँ पे आ गया नाइनटीन अपॉन फाइव और वाई आया था सिक्स अपॉन फाइव। तो दोनों ही मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखिए, थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू टेन, लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड इक्वेशन है टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू टू, ये क्लियर ना? अब यहाँ पे एक्स को यदि एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे थ्री एक्स है और यहाँ पे टू एक्स है, तो यहाँ थ्री और टू इनका एलसीएम होता है सिक्स। सिक्स लाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ सिक्स लाने के लिए सेकेंड इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। दूसरा यहाँ फोर है और यहाँ टू है, तो फोर और टू का एलसीएम फोर होता है, तो यहाँ ऑलरेडी फोर है, यहाँ फोर लाने के लिए सिंपली सेकेंड इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करना होगा। इस केस में वाई को भी हम पहले एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है टू का, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय टू, ये क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन में कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं तो ये एज इट इज, और सेकेंड इक्वेशन में टू का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो टू इंटू टू एक्स फोर एक्स माइनस टू वाई इंटू टू माइनस फोर वाई इक्वल्स टू टू इंटू टू फोर, ये क्लियर ना? अब यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, यानी कि अपोजिट साइन है, तो इस केस में इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना है। देन ऐड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, तो जब इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड करेंगे तो फोर वाई माइनस फोर वाई ये कैंसिल, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स, टेन प्लस फोर फोर्टीन, ये क्लियर? तो यहाँ से एक्स आ गया फोर्टीन और ये सेवन नीचे आ गया तो फोर्टीन अपॉन सेवन यानी कि टू। अब एक्स इक्वल्स टू टू या तो हम फर्स्ट में रख सकते हैं या तो सेकेंड में रख सकते हैं, तो वाई आ जाएगा। तो पुट दिस इन इक्वेशन वन वी गेट, देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में एक्स के प्लेस पे टू रखें तो थ्री एक्स, तो थ्री इंटू टू सिक्स प्लस फोर वाई इक्वल्स टू टेन, तो फोर वाई इक्वल्स टू टेन और ये सिक्स राइट में गया
माइनस एक्स, तो फोर वाई इक्वल्स टू टेन माइनस एक्स फोर, तो वाई इक्वल्स टू फोर अपॉन फोर वन आ गया। तो यहाँ से एक्स आया था टू एंड वाई आ गया वन, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ये हमने किया एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब यदि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यदि हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन यहां से यदि हम एक्स लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहली चीज 3x, ये हम लिख सकते हैं 10, और ये 4y राइट में गया तो माइनस 4y तक क्लियर। तो यहां से x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10 माइनस 4y, और ये 3 नीचे आ जाएगा, ये एक रिलेशन मिल गया फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से। तो इसको पुट कीजिए सेकेंड इक्वेशन में, पुट दिस इन इक्वेशन टू, वी गेट, देखिए सेकेंड इक्वेशन ये था 2, एक्स के प्लेस पे ये रख दीजिए 10 माइनस 4y अपॉन 3 देन माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये क्लियर। नाउ 2 2 2 हर एक टर्म से कैंसिल किया जा सकता है, यहां से यहां 3 है और यहां कुछ नहीं है नीचे, तो अपॉन 1 लिख दीजिए, 3 और 1 के एलसीएम 3, तो ऊपर आ जाएगा 10 माइनस 4y और माइनस y इंटू 3 माइनस 3y इक्वल्स टू 1, ये क्लियर। माइनस 4y माइनस 3y माइनस 7y और ये प्लस 10 इक्वल्स टू 1 इंटू 3 3, तो यहां से माइनस 7y इक्वल्स टू आ गया 3 और ये 10 राइट में गया तो माइनस 10, माइनस 7y इक्वल्स टू 3 माइनस 10 माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया 7 अपॉन 7 1। अब इसे यदि हम फर्स्ट में रख दे, पुट दिस इन इक्वेशन 1, x आ जाएगा, तो देखिए 3x प्लस 4y, y के प्लेस पे 1 इक्वल्स टू 10, 3x इक्वल्स टू 10 और ये 4 राइट में गया तो माइनस 4, 3x इक्वल्स टू 6, तो x यहां से आ गया 6 अपॉन 3 2 एंड y आया था 1, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इन दोनों को लिखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y और ये माइनस 4 राइट में गया तो प्लस 4 बन जाएगा, लेट से इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 9x, ये 2y लेफ्ट में आया तो माइनस 2y इक्वल्स टू 7, लेट से इक्वेशन नंबर 2, ये क्लियर। नाउ अब यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, 3 और 9 के एलसीएम 9 होता है, तो यहाँ पे तो 9 ऑलरेडी है, यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से इंटू करना होगा। बाय एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 9x माइनस 15y 4 इंटू 3 12, यहाँ 9 ऑलरेडी है तो सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करना होगा, देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो अब यहाँ सब्सट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन को चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब साइन जो है नीचे का रीड होगा, तो 9x माइनस 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y 12 माइनस 7 5, ये क्लियर। तो y यहाँ से आ गया माइनस 5 अपॉन 13। अब इसको या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड कहीं पे भी पुट कर सकते हैं और x फाइंड कर सकते हैं, तो पुट दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए 3x माइनस 5
y के प्लेस पे माइनस फाइव अपॉन थर्टीन इक्वल्स टू फोर, ये क्लियर। 3x माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 13 राइट में गया तो माइनस 25 अपॉन 13 बनेगा। अब यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 और 13 के एलसीएम 13, ऊपर हो जाएगा 4 × 13 52 माइनस 25, तो 52 माइनस 25 27 अपॉन 13, तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू आ गया 27 अपॉन 13, 3 × 9 = 27, x यहाँ से मिल गया 9 अपॉन 13 एंड y आया था माइनस 5 अपॉन 13, तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, तो यदि हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से यदि x लिखना है तो सबसे पहले 3x ये हम लिख सकते हैं 4 और माइनस 5y राइट में गया तो प्लस 5y, सो x इक्वल्स टू आ गया 4 + 5y और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये एक रिलेशन मिल गया। अब फर्स्ट से ये मिला है तो इसको सेकंड में रखिए, पुट दिस इन इक्वेशन 2, वी गेट सेकंड इक्वेशन ये है, तो 9x के प्लेस पे 4 + 5y / 3 देन माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 3 × 3 = 9 ये बन गया, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 15y माइनस 2y 13y इक्वल्स टू 7, 12 राइट में गया माइनस 12 ये बन गया 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12 माइनस 5, सो y आ गया यहाँ से माइनस 5 अपॉन 13। अब y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख के x हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो यहाँ पे फर्स्ट में रख ही चुके हैं तो इसको अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 2, तो भी जो x 9 अपॉन 13 ही आना चाहिए। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ये है 9x माइनस 2y, y के प्लेस पे माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7, ये क्लियर। यहाँ पे ये बन जाएगा 9x इक्वल्स टू 7 और ये माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 13 राइट में गया माइनस 10 अपॉन 13, यहाँ अपॉन 1 लिख सकते हैं, यहाँ नीचे एलसीएम 13 आ गया, ऊपर 13 × 7 91 माइनस 10, 91 माइनस 10 81 अपॉन 13, ये क्लियर। तो यहाँ से आ गया 9x इक्वल्स टू 81 अपॉन 13, 9 × 9 = 81, सो x आ गया 9 अपॉन 13 एंड y ये आया था माइनस 5 अपॉन 13, तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा x 9 अपॉन 13 और y माइनस 5 अपॉन 13। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन गिवन है जिनको सॉल्व करना है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखिए यहाँ नीचे 2 है यहाँ 3 है, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 3 टाइम्स में कैंसिल होगा 3 × x 3x, 3 से 6 2 टाइम्स में कैंसिल होगा 2 × 2y 4y इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहाँ से इक्वेशन मिल गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 1 × 6 माइनस 6, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 और 3 के एलसीएम 3, 1 से 3 3 टाइम्स में कैंसिल होगा 3 × x 3x, 3 से 3 1 टाइम्स में कैंसिल होगा 1 × −y − y इक्वल्स टू 3, यहाँ से इक्वेशन हम लिख सकते हैं 3x − y इक्वल्स टू 3 × 3 9, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, ये क्लियर। इनको सिंप्लीफाई करके ये दो इक्वेशन मिल गए, अब इनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। भाई एलिमिनेशन मेथड, अब यहाँ 3x है यहाँ 3x है तो दोनों ही जगह 3 है, कुछ करना ही नहीं है, दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखिए, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6 देन 3x माइनस y
इक्वल्स टू 9, ये क्लियर। प्लस साइन सेम साइन है तो सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी गेट, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, 3x माइनस 3x कैंसिल, 4y प्लस y, 5y इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, तो y आ गया माइनस 15 अपॉन 5 माइनस 3, ये क्लियर। अब इसे यदि हम फर्स्ट में रख दें, पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो यहां से हमें x मिल जाएगा 3x प्लस 4 y के प्लेस पे माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 6, ये क्लियर। 3x इक्वल्स टू माइनस 6 और ये माइनस 12 राइट में गया प्लस 12, 3x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 12 6, x आ गया 6 अपॉन 3 2 एंड y आया था माइनस 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, यहां से यदि हम इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे सबसे पहले हम 3x इसको लिख सकते हैं माइनस 6 और ये 4y राइट में गया माइनस 4y, इतना क्लियर। यहां से x ये आ गया माइनस 6 माइनस 4y और ये 3 नीचे आ जाएगा अपॉन 3, यहां से एक रिलेशन मिल गया जो कि फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से निकला है, तो इसको पुट कीजिए सेकंड में, पुट दिस इन इक्वेशन 2, वी गेट सेकंड इक्वेशन ये है, एक्स के प्लेस पे ये रखना है तो 3x एक्स के प्लेस पे रख दीजिए माइनस 6 माइनस 4y अपॉन 3 देन माइनस y इक्वल्स टू 9, ये क्लियर। 3 से 3 कैंसिल, यहां से इसको हम लिख सकते हैं माइनस 6 माइनस 4y माइनस y इक्वल्स टू 9, माइनस 4y माइनस y माइनस 5y इक्वल्स टू 9 और ये माइनस 6 राइट में गया प्लस 6, तो माइनस 5y इक्वल्स टू 9 प्लस 6 15, सो y इक्वल्स टू आ गया 15 अपॉन माइनस 5 यानी कि माइनस 3, ये क्लियर। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस 3 फर्स्ट इक्वेशन में रखा था, x आया था 2, अब यहाँ पे इसको हम सेकंड में भी रख सकते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 2 देन ऑल्सो x 2 आना चाहिए, तो देखिए सेकंड इक्वेशन ये है 3x माइनस y y के प्लेस पे माइनस 3 इक्वल्स टू 9, ये क्लियर। 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 9 और ये 3 राइट में गया तो माइनस 3, सो 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 6, सो यहां से x आ गया 6 अपॉन 3 2 एंड y आया था माइनस 3, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू माइनस 3, तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा। ये 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन गिवन है यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हुए हैं, सबसे पहले इनको अच्छे से समझते हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, देन उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट केस है इफ़ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट में 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर पार्ट में 1 सब्सट्रैक्ट किया जाए तो वो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके कितना हो जाता है 1, ये क्लियर। देन कह रहा है इट बिकम्स 1 अपॉन 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अब यदि उसी फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट में 1 ऐड करें और न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज रहने दें तो वो फ्रैक्शन जो है ये बन जाता है 1 अपॉन 2, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए इस फ्रैक्शन के दो पार्ट हैं, एक न्यूमरेटर पार्ट और एक डिनोमिनेटर पार्ट, अगर हम वो फाइंड कर ले तो इस फ्रैक्शन को हम इजीली लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम
यहां ज्यूम कर लीजिए, तो लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब यदि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मान लिया जाए एक्स और डिनोमिनेटर को मान लिया जाए वाई, तो फ्रैक्शन हम यहां से लिख सकते हैं, ये बन जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि एक्स अपॉन वाई। तो एक्स और वाई पहले फाइंड करना है, यानी एक्स अपॉन वाई हम इसलिए लिख सकते हैं। तो अब इन सिचुएशन का यूज कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन हमने माना एक्स अपॉन वाई था, ये फ्रैक्शन था। अब यहाँ कंडीशन है कि न्यूमरेटर पार्ट में वन को ऐड करना है, तो ऊपर वन ऐड कर दीजिए, और डिनोमिनेटर पार्ट में वन सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ वन सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये फ्रैक्शन रिड्यूस होके किसके इक्वल हो जाता है, वन के, तो ये इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वन इंटू वाई माइनस वन, यानी कि वाई माइनस वन ये बन गया एक्स, देन ये वाई लेफ्ट में आया माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस वन, और ये वन राइट में गया तो माइनस वन, ये बन गया एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस टू। फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। नाउ सेकेंड कंडीशन था, फ्रैक्शन था एक्स अपॉन वाई। अब यहाँ कह रहा है कि सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट में वन ऐड करना है, तो नीचे सिर्फ वन ऐड कीजिए, ऊपर एज इट इज, तो ये जो फ्रैक्शन है इट बिकम्स वन अपॉन टू, तो ये इक्वल्स टू वन अपॉन टू बन जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन और हमें मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू टू टू एक्स इक्वल्स टू वन इंटू वाई प्लस वन, तो वाई प्लस वन ये बन गया टू एक्स, ये वाई को लेफ्ट में लिया लेके आए तो माइनस वाई इक्वल्स टू वन, लेट से इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन ये फॉर्म हो चुका है, अब इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है टू और यहाँ एक्स का कोफिशियंट है वन, तो यदि हमें यहाँ भी टू लेके आना है तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा टू से, वन इंटू टू टू आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन के हर एक टर्म में टू का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू इंटू टू माइनस फोर, ये क्लियर। अभी सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टू एक्स है, तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, ये क्लियर। अब यहाँ पे दोनों ही जगह साइड प्लस है यानी कि सेम है, तो हमें यहाँ सब्सट्रैक्ट करने हैं, तो सब्सट्रैक्ट जब भी कीजिएगा नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस था तो माइनस लिख दीजिए, माइनस था तो ये प्लस, प्लस था तो माइनस बन जाएगा। 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस 2y प्लस y तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 5 आ गया। अब इसे हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं या तो सेकेंड इक्वेशन में रख सकते हैं, देन x आ जाएगा। तो यदि इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो पुट दिस इन इक्वेशन वन, गेट फर्स्ट इक्वेशन ये था, तो एक्स माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू माइनस टू, एक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस टू और ये माइनस फाइव राइट में गया प्लस फाइव, एक्स यहाँ से आ गया माइनस टू प्लस फाइव थ्री, और वाई आया था फाइव। सो फ्रैक्शन जो हमें फाइंड करना था ये हमने माना था एक्स अपॉन वाई, तो थ्री अपॉन फाइव ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि ये सही निकला है या नहीं निकला है। तो देखिए इसके लिए ये जो गिवन सिचुएशन था इन्हीं को मैप कर लीजिए। तो पहला था कि न्यूमरेटर पार्ट में वन ऐड कीजिए तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर पार्ट में वन सब्सट्रैक्ट कीजिए तो फाइव माइनस वन फोर हो जाएगा, फोर फोर कैंसिल या आ गया वन, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू वन, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर कह रहा था कि डिनोमिनेटर पार्ट में सिर्फ वन ऐड कीजिए तो फाइव प्लस वन सिक्स, और न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज लिखिए तो थ्री अपॉन सिक्स ये आ गया वन अपॉन टू, तो इट बिकम्स
यानी कि वो जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1/2। ऐसा करने पे देखिए 1/2 आ रहा है, तो ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बन जाएगा। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जितना एज 5 साल पहले सोनू का रहा होगा उसका 3 गुना एज यानी कि थ्राइस एज था नूरी का। 10 years later, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद सोनू का एज जितना हो जाएगा उसका ट्वाइस एज नूरी का होगा। तो ये कंडीशन गिवन है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू का एज बताना है यानी कि प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे यदि आप मान लें कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। प्रेजेंट एज हमने मान लिया नूरी का कि एक्स ईयर्स है और सोनू का वाई ईयर्स है। नाउ अब इन सिचुएशन को यूज कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले बात हो रही है 5 years ago, 5 साल पहले की। तो यदि प्रेजेंट एज नूरी का एक्स है तो 5 साल पहले नूरी रही होगी एक्स माइनस 5 years की, क्योंकि आज के डेट में यदि एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस 5 होगा। और सोनू आज के डेट में यानी कि प्रेजेंट एज वाई ईयर्स का है तो 5 साल पहले वाई माइनस 5 का रहा होगा। तो अब यहाँ पे कंडीशन था नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले ये नूरी का एज है, 5 साल पहले ये सोनू का एज है, तो नूरी का एज ये इक्वल है सोनू के एज से थ्राइस, ये कंडीशन दिया हुआ था। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। ये क्लियर ना, ये बन गया एक्स, 3y लेफ्ट में ले आइए तो माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15, और ये माइनस 5 राइट में गया तो प्लस 5। एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। अब 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बातें हो रही हैं, तो नूरी अगर आज के डेट में x है, प्रेजेंट एज x है, तो 10 साल के बाद डेफिनेटली x प्लस 10 होगा, और सोनू का एज प्रेजेंट एज y है तो 10 साल के बाद y प्लस 10 होगा। ये क्लियर। अब यहाँ पे कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी का जो एज है ये इक्वल हो जाएगा सोनू के एज के ट्वाइस, डबल। क्लियर। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, ये लिख सकते हैं। ये बन गया x, 2y को लेफ्ट में ले आए तो माइनस 2y इक्वल्स टू 20, और ये 10 राइट में गया तो माइनस 10। यहाँ से मिल गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, 10। दैट्स इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन ये आ चुका है। अब इनको सॉल्व करके x एंड y फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ x का कोफिशियंट 1 है, यहाँ x का कोफिशियंट 1 है, तो यहाँ पे हम सीधा सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन को भी एज इट इज लिख दीजिए, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे साइन सेम है, प्लस और प्लस, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट के केस में नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस बन जाएगा। x माइनस x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, y आ गया 20। अब इसे हम या तो फर्स्ट या तो सेकेंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इसको फर्स्ट में रख दीजिए। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 3, वाई के प्लेस पे 20 इक्वल्स टू माइनस 10, एक्स माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, एक्स आ गया यहाँ से माइनस 10, और ये माइनस 60 राइट में गया तो प्लस 60, एक्स आ गया माइनस 10 प्लस 60 50, और वाई आया था 20। तो यहाँ पे नूरी का प्रेजेंटेज ऑफ नूरी, ये हमने माना था एक्स ईयर,
एक्स आया 50, तो नूरी 50 साल की है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, ये हमने वाई माना था, और वाई आया है 20, तो सोनू का एज प्रेजेंट एज 20 ईयर्स है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 5 साल पहले नूरी 45 की रही होगी और सोनू 5 साल पहले 15 का रहा होगा, तो इसका थ्राइस है सोनू के एज का, थ्राइस है नूरी का एज, यही कंडीशन दिया हुआ था 15 3 45, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद ये एज हो जाएगा 60 और ये एज हो जाएगा 30, 32 60, तो इसका ट्वाइस है नूरी, यही कह रहा था नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, किसी टू डिजिट नंबर का दोनों डिजिट का जो सम है ये 9 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले टू डिजिट नंबर्स के कॉन्सेप्ट को देखें, कोई भी टू डिजिट नंबर है जैसे अगर हम लिखते हैं 57, तो यहाँ पे ये जो 7 है ये कहलाता है वंस प्लेस और ये जो 5 है ये टेंथ प्लेस कहलाता है। तो यदि कोई भी टू डिजिट नंबर है तो ये दो प्लेस होगा, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि लेट द वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस ऑफ टू डिजिट नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, तो वंस प्लेस पे हमने मान लिया एक्स है और टेंथ प्लेस पे मान लिया कि वाई है, तो वो जो नंबर होगा यानी कि ओरिजिनल नंबर उसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 57 है, तो 5 जो है टेंथ प्लेस पे है और 7 जो है वंस प्लेस पे है, और 57 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10 + 7, यानी कि टेंथ प्लेस पे जो भी डिजिट है उसको इंटू कर दीजिए 10 से और प्लस यूनिट डिजिट, ये क्लियर। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ये हम क्या लिख सकते हैं, तो टेंथ प्लेस पे हमने माना है वाई, इसको 10 से इंटू कीजिए, और प्लस यूनिट प्लेस पे एक्स है एक्स, तो 10y + x ये ओरिजिनल नंबर होगा, इतना क्लियर। अब इस नंबर को यदि हम रिवर्स करते हैं 57 को, अगर इनके डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा 75, तो अब यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या आ गया 5 और टेंथ प्लेस पे आ गया 7, मीन्स ओरिजिनल नंबर पे 5 जो है ये टेंथ प्लेस पे था, रिवर्स करने पे ये 5 जो है ये वंस प्लेस पे आ गया। तो यहाँ पे अगर हम रिवर्स नंबर लिखें तो यहाँ पे रिवर्स नंबर क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए अब इस 75 को क्या लिख सकते हैं, टेंथ प्लेस पे 7 है तो 7 × 10 + 5, ये क्लियर। तो यहाँ पे रिवर्स जब करेंगे तो ये x टेंथ प्लेस पे चला जाएगा, तो 10x, और ये जो टेंथ प्लेस पे y था ओरिजिनल नंबर में ये वंस प्लेस पे आ जाएगा 10x + y, ये हो जाएगा रिवर्स नंबर, इतना क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, तो यहां पे इन दोनों डिजिट का सम कह रहा है 9 है, x + y = 9, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब यहां कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर, तो 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर का इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, तो रिवर्सिंग के बाद ये नंबर मिल रहा है तो इसका ट्वाइस है, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ये इक्वल्स टू है ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर, ये क्लियर। तो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं 9 × 10y 90y और प्लस 9x = 20x + 2y, इतना क्लियर। नाउ 9x - 20x -11x, देन 90y और -2y 88y = 0, यहां से ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 11 लाने के लिए इंटू कीजिए फर्स्ट इक्वेशन को 11 से, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, तो ये हम लिख सकते हैं 11x
प्लस 11y इक्वल्स टू 11 इंटू 9 99, इतना क्लियर। अभी सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज देखिए, माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ऊपर साइन प्लस है और नीचे माइनस है, तो इस केस में ऐड करेंगे दोनों को, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 11y प्लस 88y 99y इक्वल्स टू 99 प्लस 0 99, ये क्लियर। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ गया 99 अपॉन 99, यानी कि y इक्वल्स टू आ गया 1। अब इसको या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यदि हम फर्स्ट में पुट करें, पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा, तो x प्लस y, y के प्लेस पे 1 इक्वल्स टू 9, x यहाँ से आ गया 9 माइनस 1 8 और y आया था 1, ये क्लियर। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है यानी कि ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर ये क्या बन जाएगा, ये 10y प्लस x, 10y प्लस x कहने मतलब 1 इंटू 10 10 और प्लस 8 18, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो देखिए द सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 9, तो 1 प्लस 8 9, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब इसका 9 टाइम्स, तो 9 इंटू 18 ये इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो इसको अगर हम रिवर्स करें तो ये क्या हो जाएगा 81, और इसका ट्वाइस कीजिए तो ये बराबर होना चाहिए, तो 18 इंटू 9 ये हो जाएगा आपका 162, और 81 इंटू 2 162 बराबर है, तो दोनों ही कंडीशन मैप हो रहा है, तो 18 विल बी द रिक्वायर्ड टू डिजिट नंबर। नेक्स्ट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। यहाँ पे कह रहा है कि मीना जो है बैंक जाती है 2000 रुपीज निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। अब उसने कैशियर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिर्फ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 के ही नोट्स दे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो कैशियर ने टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो मीना को दिए वो दिए 25 नंबर ऑफ नोट्स। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड। तो यहाँ हमें फाइंड करने कि मीना टोटल कितने 50 रुपीज के नोट्स एंड 100 रुपीज के नोट्स रिसीव्ड किए कैशियर से। तो देखिए यदि यहाँ मान ले कि लेट मीना रिसीव्ड x एंड y नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ हमने मान लिया कि मीना जो है 50 के x नंबर ऑफ नोट्स रिसीव्ड किए और 100 रुपीज के y नंबर ऑफ नोट्स रिसीव्ड किए, इतना क्लियर। अब इन सिचुएशन की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे एक कंडीशन था कि मीना के पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25, तो 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट्स इनका जो टोटल काउंटिंग है यानी कि सम है इट शुड बी 25। तो यहाँ से इक्वेशन हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब टोटल उसने 2000 रुपीज विड्रॉ किया बैंक से। तो देखिए अगर आपके पास 5 नोट्स है रुपीज 50 के, तो आपके पास टोटल अमाउंट 50 इंटू 5 यानी कि 250 रुपीज है। तो यदि आपके पास x नंबर ऑफ नोट्स हैं रुपीज 50 के, तो आपके पास टोटल अमाउंट कितने हैं, टोटल रुपीज कितने हैं आपके पास 50 इंटू x, इसका डिनोमिनेशन हो गया 50 इंटू x यानी कि 50x। और 100 रुपीज के अगर आपके पास y नंबर ऑफ नोट्स है, तो टोटल इसका डिनोमिनेशन क्या हो गया 100y, और इन दोनों का सम टोटल अमाउंट कितना उसने विड्रॉ किया था 2000, तो ये जो टोटल अमाउंट है ये 2000 होना चाहिए, तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 2000 है, ये सारे ही टर्म को हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सारे ही टर्म को 50 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्लियर। तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ से मिल गया 2y, और यहाँ से 54 या 200 और ये 0,
जैसे इक्वेशन नंबर 3। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो इन दोनों ही इक्वेशन को एज इट इज लिखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25, और थर्ड इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू 40। नाउ दोनों ही जगह साइन प्लस का है, तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट करने होंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई माइनस टू वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 25 माइनस 40 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, वाई आ गया 15। y इक्वल्स टू 15 या तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं या तो थर्ड इक्वेशन में रख सकते हैं, x आ जाएगा। तो यदि हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो पुट दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहां से हमें मिल जाएगा x प्लस y, y के प्लेस पे 15 इक्वल्स टू 25, x यहां से आ गया 25 और 15 राइट में गया तो माइनस 15, x मिल गया 25 माइनस 15 10 और y आया था 15। सो मीना के पास टोटल नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स ये कितने हैं? 50 रुपीज के हमने माना था कि x नंबर ऑफ नोट्स है, x आया 10 और टोटल नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, 100 रुपीज के हमने y नंबर ऑफ नोट्स माना था, y आया 15, तो ये रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब इसको इन कंडीशन पे मैप करके भी देख सकते हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो देखिए यदि आपके पास 50 रुपीज के 10 नोट्स है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 500 रुपीज है आपके पास, 100 रुपीज के 50 नोट्स है तो 1500 रुपीज हो गया आपके पास, टोटल कितना हुआ आपके पास 2000, यही होना चाहिए था। उसके अलावा इन दोनों नंबर, इन दोनों नोट्स की जो टोटल काउंटिंग है ये 25 होना चाहिए, तो 10 प्लस 15 25, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लेंडिंग लाइब्रेरी है मीन्स वैसा लाइब्रेरी जहाँ से आप कुछ पैसे जमा करके बुक पढ़ने के लिए ले सकते हैं, तो वहाँ उस लाइब्रेरी का एक फिक्स चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज। फिक्स चार्ज मतलब अगर आपने बुक इशू कराया भले आप एक घंटे में लौटा रहे हैं तो वो अमाउंट आपको देना पड़ेगा, चाहे आप बुक एक घंटे में लौटाए, एक दिन में लौटाए, दो दिन में लौटाए या तीसरे दिन लौटा दे, तो 3 दिन तक का एक फिक्स्ड अमाउंट है उसे हम कहेंगे फिक्स चार्ज। और उसके बाद जैसे आपने 10 डेज के लिए बुक रख लिया तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, बचे जो 7 डेज तो उसका आपको पर डे चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेड रुपीज 27 फॉर अ बुक फॉर 7 डेज। सरिता जो है टोटल 27 रुपीज पे किया, कितने दिनों के लिए उसके पास बुक थी, 7 डेज। वाइल सुसी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, जबकि सुसी ने 5 डेज के लिए रुपीज 21 पे किया। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे हमें फिक्स चार्ज ये फाइंड करने हैं और पर डे चार्ज बुक का ये फाइंड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि हम मान लें कि लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड पर डे चार्ज बी रुपीज वाई, इतना क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सरिता के पास जो है बुक ये था 7 डेज के लिए, तो 3 दिन के लिए उसने फिक्स चार्ज दिया होगा वो एक्स, बचे 4 डेज, तो पर डे चार्ज हमने माना है कि रुपीज वाई है, तो 4 डेज का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 इंटू वाई। अब इनका जो सम है तो सरिता ने कितना पे किया इसके लिए 7 डेज के लिए, 27, तो दिस शुड बी इक्वल टू 27, लेट्स से इक्वेशन 1। एंड सुसी ने बुक 5 डेज के लिए रखा तो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज क्योंकि एक्स माना था, बचा 2 दिन, तो 2 दिन का पर डे चार्ज 2y हो जाएगा प्लस 2y, और सुसी ने टोटल 21 रुपीज़ पे किया
इक्वल्स टू 21, पेयर ऑफ इक्वेशन मिल गया। अब इनको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज लिखिए, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, देन x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब दोनों ही जगह साइन पॉजिटिव है तो सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी गेट, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए नीचे के साइन चेंज कर दीजिए, x माइनस एक्स कैंसिल, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6, y आ गया 6 अपॉन 2 यानी कि 3, ये क्लियर। अब इसे हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन 1, देन वी गेट यहां से x मिल जाएगा, x प्लस 4y, y के प्लेस पे 3 रख दीजिए, इक्वल्स टू 27, x आ गया 27 और ये 12 राइट में गया माइनस 12, x आ गया यहाँ से 27 माइनस 12 15 और y आया था 3। यहाँ पे फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज ये हमने माना था रुपीज एक्स, x आया 15 और पर डे चार्ज ये हमने माना था रुपीज वाई, वाई आया है 3, तो रुपीज 3 क्लियर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर बनेगा और एग्जाम में इनको क्वेश्चंस के थ्रू मैप करके देख भी सकते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो देखिए सबसे पहले सरिता के पास बुक था कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए, तो फिक्स चार्ज 15 रुपीज, ठीक है, 3 दिन का बचा 4 दिन, तो पर डे चार्ज 3 है, तो 4 दिन का कितना हो गया 4 इंटू 3 12, तो 15 प्लस 12 27, और सरिता ने 27 ही पे किया था। सुशी के पास बुक था 5 डेज के लिए, तो 3 दिन का चार्ज 15 रुपया, बचा 2 दिन, पर डे चार्ज है 3, तो 2 दिन का हो गया 3 इंटू 2 6, 15 प्लस 6 21, सुशी ने पे किया था 21, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा, क्लियर।